हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे कक्षा दसवीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 यहां पर हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर एक में टोटल 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, शब्द समस्या। एक बार फिर से शब्द समस्या। अच्छा देखो, शब्द समस्या जब आता है ना बच्चों के सामने में तो थोड़ा सा बच्चे जो है असमंजस में पड़ जाते हैं। देखो हर एक स्टेप को यहाँ पर देखने की कोशिश करो, बातें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा दूसरी बात है ना, प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चन समझोगे एक बार में, देखो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन को बार बार इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जा करके ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। तो मेन बात क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो या कोई भी काम कर रहे हो, जब प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप उसमें निपुण हो जाते हो। तो यहाँ प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आने वाली है, देख लेते हैं हमको किस तरह से करना है। देखो पांच पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, और 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो ज्ञात क्या करना है हमको, 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन देखो ज्ञात करना तो है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आगे बहुत सारे मेथड पढ़ने हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में बेसिकली हमको ग्राफीय विधि से ही हल करना है, तो इसी विधि को हम प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो कहाँ से शुरू करें, आ जाओ। पूरा क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, शुरू कहाँ से करेंगे, लास्ट से। लास्ट में देखो क्या है हमारे पास, लास्ट में है 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और क्वेश्चन की शुरुआत भी हम यहीं से करने वाले हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ना, तो मान लेते हैं यहां से हल। माना कि 1 पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम ना एक्स वाई को भी भूल जाओ, ठीक है, अगर 1 पेंसिल की कीमत 5 रुपया है तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगा, जरा बताना। पेंसिल की कीमत, पेंसिल कितना का है, 5 रुपया का है, तो 1 का कितना होगा, 1 गुने 5 2 का कितना होगा, 2 गुने 5 3 पेंसिल का कीमत 3 गुने 5। मतलब क्या आ रहा है, क्वांटिटी से जो है ना मूल्य को हम गुना कर रहे हैं। क्वांटिटी मतलब कितनी पेंसिल चाहिए उसको हम मूल्य से गुना कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन है कहाँ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलमों का सम्मिलित मूल्य 50 रुपया है, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम इकट्ठे जब खरीद लेंगे ना तो दोनों का मूल्य यहाँ पर 50 रुपया होने वाला है। तो बताओ हमने क्या कहा कि 1 गुने 5 यानी 1 पेंसिल तो 1 गुने 5, 2 पेंसिल का मूल्य 2 गुने 5, तो यहाँ पर 5 पेंसिल और 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का, तो क्वांटिटी यानी कि कितनी है और उसको गुना करना है मूल्य कितना है, मूल्य x रुपया ना। ठीक है, इसी तरह से 7 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य है y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y नहीं हो जाएगा, 7 को y से गुना करेंगे तो 7y तो हो जाएगा ना। इस दोनों का मूल्य किसके बराबर हो जाता है, 50 रुपया, 50 रुपया हो जाता है, जरा देखो। और इस तरह से देखो, देखते ही देखते पता भी नहीं चला और पहला समीकरण आ गया, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ना। चलो देखो अगला पार्ट में क्या है, ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखना है एक चीज़ हमको, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही तो हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं ना। तथा लिखेंगे, तथा 7 पेंसिल, अच्छा 7, अब 7 पेंसिल बोल रहा है ना, तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपया माना है हमने, तो 7 पेंसिल का 7x, और इसी तरह से 5 कलम, तो 5 कलम का मूल्य 5y, क्यों 5y, क्योंकि 1 कलम का मूल्य तो y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य 5y तो होगा, है कि नहीं। और ये सम्मिलित मूल्य कितना है, 46 रुपीज़, ओनली 46 रुपीज़। चलो समीकरण 2 आ चुका है, ये हमारा जो है ना अलजेब्रिक फॉर्म यानी कि बीजगणितीय रूप में हम व्यक्त कर चुके हैं, ये बीजगणितीय समीकरण हमारा आ चुका है। दो ये जो शब्द समस्या था उसका बीजगणितीय समीकरण हमने लिख लिया है। अच्छा देखो यहाँ के बाद हम क्या बता चुके हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं ना कि यहाँ हमको क्या करना है, अब x और y का वैल्यू चाहिए है ना, और इसको करने का, ग्राफीय विधि से करने का
सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यदि आपको लुप्तीकरण पता है तो पहले उसको लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो लुप्तीकरण देख लेते हैं। यहां पर x1 का वैल्यू निकालना है, x का निकालो या y का, 5x प्लस 7y बराबर 50 एंड देन 7x प्लस 5y इजकल टू 46। अब क्या करते हैं लुप्तीकरण विधि में, x के गुणांक है 7 तो ऊपर गुना करो और x का गुणांक ऊपर में 5 तो नीचे गुना करो। 35x प्लस 49y इजकल टू 350 एंड 35x प्लस 25y इजकल टू 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 5 × 20 3 × 23 = 3 हासिल 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे ना इसको, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो माइनस 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 ये ख़त्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो, 9 में से 5 4 और 4 में से 2 2 ये 24y और इस तरह से 0 0 5 में से 3 तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 1 120। तो y बराबर यहाँ से क्या होने वाला है, 120/24। अब आगे हमको कुछ नहीं करना है, देखो a की वैल्यू यहाँ से हमको लुप्तीकरण से प्राप्त हो गया। देखो आगे जब भी आप ग्राफीय मेथड पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो इस तरह से करना, पहले जो है ना हमको एक वैल्यू पता कर लेना है। क्यों करनी है पता, क्योंकि देखो ग्राफ में आपको फिर पता लगाना पड़ेगा ना कि कौन सा वैल्यू रखा जाए, कि दोनों हम इससे पहले ही बता चुके हैं। तो ग्राफीय विधि से जब हल निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो हमारे पास दो समीकरण है, दो मान सारणी आएंगे और जब दो मान सारणी आएंगे तो वहाँ पर दोनों मान कॉमन होना चाहिए। तो अगर आप इस विधि से निकाल लेते हो ये मान हमारा जो भी आता है दोनों समीकरण का, तो ये हमारा कॉमन वैल्यू है, y का कॉमन वैल्यू मिल गया। जब y का पुट करेंगे समीकरण में तो x का कॉमन वैल्यू मिल जाएगा। एक वैल्यू अपने मन से रखना है और एक वैल्यू क्या करना है, ये वाला रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो जो बातें हम अभी बोल रहे हैं ना उसको अप्लाई करने की बात आ गई है। ठीक है, देखते हैं। तो समीकरण एक से देखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये समीकरण एक है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या रख सकते हैं, जरा बताओ क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, y बराबर सबसे पहला वैल्यू रखना है 0, y बराबर हमको क्या रखना है 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 × 0 इजकल टू 50 और ये हो जाएगा 5x और ये 7 को जब 0 से गुना करेंगे कितना होगा बता दो, नहीं नहीं कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, तो ये 50 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना है ना, अमेठा गया है, इसको गुना किया गया है, तो इसको x बराबर कितना हो जाएगा 50/5 तो हो जाएगा, गुना के चिन्ह दूसरी तरफ 5 को ले जाएंगे तो ये भाग हो जाता है। दूसरी तरफ क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ये पक्षांतर करते हैं। ठीक है, चर को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं और चर को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं, ये बेसिक की बात है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, काटेंगे 10 बार में कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ये पहला वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तथा जब x बराबर, अब x बराबर नहीं रखना है ना, अब y बराबर देख लो, जब y बराबर क्या रखना है, यहाँ पर 5 रखना है ना, y बराबर 5 कर लो। समीकरण क्या है अपने पास, पहला समीकरण 5x प्लस 7y इजकल टू, बताओ जल्दी बताओ, 50 ना, 50 है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, y बराबर 5 रखना है ना, तो 5x प्लस 7 × 5 इजकल टू 50 और ये हो जाएगा 5x बराबर प्लस 35 इजकल टू 50, गुना करोगे ना, तो अब इसको इस तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुना में नहीं माइनस में हो जाएगा, ये देख लो हो गया माइनस में। चलो अब ये 5x इजकल टू कितना हो जाना है, जरा बताओ 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 बताओ, 15 ना, कितना 15, 50 में से 35 घटाओगे 15 तो बचेगा। अब x बराबर 15 हो, ये दोनों गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा बच्चे 3, x बराबर 3। तो ये इस तरह से दोनों वैल्यू हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है ना, तो इसके लिए मान सारणी बना लो, ड्रॉ कर लो। किस तरह से बनाते हैं देख लो, ये आ गया हमारा मान सारणी, जरा जल्दी बनाओ भाई। चलो पहला वैल्यू हमने x का रखा था, y का क्या रखा था, पहला वैल्यू y का रखा था हमने 0, तो x का आया था 10, तो 10 और 0।
दूसरा वैल्यू हमने एक्स का रख वाई का रखा है यहाँ पर 5, तो आया कितना एक्स का जल्दी बता दो, 3 आया ना, तो ये आ जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा पहले समीकरण का काम ख़त्म हो चुका है, करेंगे बात दूसरे समीकरण के बारे में। तो यहीं से लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अपना, 7x प्लस 5y इजकल टू 46। तो यहाँ से हमको लेना है y बराबर माइनस में 2, क्यों रखेंगे माइनस में 2 को भी पता चलेगा। समीकरण हमारे पास 7x प्लस 5 इंटू और y के जगह पर रखना है माइनस 2 बराबर 46, और इस तरह से हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा माइनस 10 बराबर 46। अब 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 46 और प्लस 10 हो जाएगा ना, तो 7x बराबर यहाँ से हो जाएगा 56। अब यहाँ से काट लो डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से हमारा 8। ये पहला वैल्यू यहाँ से निकल चुका है। दूसरा वैल्यू में क्या करना है जरा देखो, दूसरा वैल्यू में तो हमको यही रखना है वाई बराबर 5, दोनों में क्या करना है कॉमन वैल्यू चाहिए एक, तो वो हमको वही रखना है। दूसरा वैल्यू देख लेते हैं, समीकरण क्या है दूसरा, पहला दूसरा समीकरण है हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरा वैल्यू क्या रखना है y बराबर 5, यहाँ से होगा 7x प्लस 5 इंटू 5 बराबर 46, ये 5 हो गया और y के जगह पर हमने क्या रखा है 5 रखा है, 7x और ये 5 इंटू 5 25 बराबर 46, और इस तरह से क्या आ जाएगा 7x और 25 को ले जाओ दूसरी तरफ, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ज़रा बताना, 46 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये 7x बराबर 21 नहीं हो जाएगा, 6 में से 5 1 और 4 में 2 2, और x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों गुना में है तो बताओ 7 नीचे आ जाएगा, 7 3 जा ये 3 हो जाएगा x बराबर। तो दोनों मान हमारा यहाँ से भी निकल चुका है। अब यहाँ पर मान सारणी की बात आते हैं, खींच लेते अपना मान सारणी। तो ये बन गया मान सारणी, तो पहला वैल्यू हमने x का क्या y का क्या रखा था यहाँ से माइनस 2, पहला रखा हमने माइनस 2, आया कितना 8, 8 और माइनस 2। दूसरा वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पर, वही कॉमन वाला y बराबर 5, y बराबर हमने रखा 5 और x बराबर हमने रखा 3, और इस तरह से ये हो जाएगा 3 5। तो ये दोनों मान सारणी हमारा कंप्लीट हो चुका है दोनों ही समीकरण का। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण को लिख लिया है, उसके बाद हमने उसका मान सारणी भी बना लिया है। अब देखते हैं फाइनली ग्राफ पे रिप्रेजेंट यानी ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी तक बातें समझ में आ गई ना, अगर आ गई है तो फिर जुड़ जाओ चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो। देखो अगर यहाँ पर दिक्कत कोई भी आ रही है ना तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, देखो उस पर वीडियो इंस्टेंटली मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फैमिली को बढ़ाओ यार, ताकि जो है ना लाइव क्लास भी जल्दी चालू हो सके। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से देख लो क्या करना है, पहला समीकरण में बात करेंगे। पहला समीकरण में क्या करना है, एक्स बराबर 10, एक्स बराबर 10, तो देखो शुरू कहाँ से करते हैं, देखो ये पॉइंट है 0 0 होता है ये, और ये हो गया हमारा एक्स डैश और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 10 है, तो 10 x अक्ष पर हमको प्लस में 10 चाहिए, तो 10 कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर ना, चलो भाई, और y बराबर 0, और y बराबर 0 तो मतलब y का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो देखो जब y बराबर 0 हो और x का वैल्यू हो तो वो x अक्ष पर ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 0, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, दूसरा वैल्यू यहाँ पर समीकरण एक में है 3 और 5, यानी x बराबर है 3 और y बराबर है प्लस में 5, तो 5 5 5 5 5 5 यहाँ है ना, तो थोड़ा सा इसको देखो इस तरह से ले जाओ और इसको इस तरह से ले जाओ, तो थोड़ा ये आएगा ये यहाँ ना, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 5, ये एक पॉइंट हो गया। अब इस दोनों को क्या करना है, हमको पता है ना क्या करते हैं, मिला देते हैं। सर बिल्कुल सही, इसको हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा लाइन, इसको लिख लो 5x प्लस 7y इजकल टू 50, ये हो गया ये लाइन। अच्छा एक बात और यहाँ पर समझ लो, देखो
अब इस समीकरण में, पहले समीकरण में जितना भी आप वैल्यू निकालोगे ना, वो इसी रेखा पे आने वाला है, ठीक है, इसी रेखा पे, दूसरे रेखा पे नहीं जाने वाला, इसी रेखा पे आने वाला है। ये पहले भी बात हम कर चुके हैं। दूसरे समीकरण की बात करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, x बराबर पहला वैल्यू x बराबर 8 और y बराबर -2। तो y बराबर -2 और x बराबर 8, तो x बराबर 8 कहाँ पर है अपना, यहाँ पर है ना, और y का वैल्यू माइनस में 2 कहाँ पर होगा, y का वैल्यू माइनस में 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर नीचे बढ़ाएंगे इसको, इस तरह से नीचे लेके आएंगे और इसको ले जाएंगे तभी तो कटेगा ना, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा 8 और -2। दूसरा वैल्यू देख लो यहाँ से क्या है, वही 3 और 5, मतलब यही सेम वैल्यू तो है 3 और 5। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको क्या करना है, फिर से को गलत जगह पे जा रहा है, इसको क्या करना है हमको, मिलाना है, मिला दिए, मिल गया जी, लो मिल गया, ठीक है। ये किस समीकरण का, जरा 7x + 5y = 46 तो इस तरह से देखो, एक पॉइंट पे यहां पर कट रहा है, यानी ये दोनों लाइन जो है, दोनों समीकरण का लाइन जो है वो एक पॉइंट पे काट रहा है ना, कहां पर, 3 और 5 पर, यानी कि जहां पर x का वैल्यू 3 आ रहा है, y का 5 आ रहा है, वहीं पर एक दूसरे को काट रहा है। इसका मतलब इस समीकरण का हल क्या होगा, हल क्या है हमारा, x बराबर 3 और y बराबर 5, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 3 और 5। तो इस समीकरण का हल क्या है, जहां पर कटेगा वही होता है समीकरण का हल, कटका रहा है 3 और 5 पर, तो यहां पर यह समीकरण का हल हो गया।